हाँ जी, होटल से चेकआउट करके हम जा रहे हैं खजराना मंदिर। चलो आपको दिखाता हूँ। चलो आपको दिखा देते हैं। आप बेबी डेड एंड है, कहाँ घुस गए? हाँ ठीक है, इट्स ओके। इट्स ओके ओनली एंड टुडे आई यूज्ड माय टूथब्रश। आई डोंट शेयर माय टूथब्रशेस, बट देन ही लाइक हे माय वाइफ, इट्स ओके। इट्स रियली नॉट दैट मच, बट ओके ठीक है, आई लव हिम, व्हाटएवर। खजराना मंदिर का ये एंट्री और हम जा रहे हैं मंदिर में। इट इज ए गणपति मंदिर। वहाँ खूब सारे मंदिर है एक्चुअली, वो बहुत पुराना मंदिर है वो, और मंदिर हाँ, काफी सारे वहाँ पर हाँ, टेंपल्स बने हुए, तो तुम सारे भगवान एक साथ दर्शन अच्छा बना रखा है। अच्छा, अरे विजय गारमेंट्स तुमने बताया नहीं, तुमने हाँ, अपनी शॉप खोली थी। बहुत बहुत दुकानें हैं मेरी। विजय नाम की बहुत सी दुकानें हैं, बहुत सारे गारमेंट्स की है। कोई विजय सेल्स भी मैंने खोल के छोड़ दिए, वो अपने लोगों को थोड़ा होना चाहिए ना इनकम का कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया है। देखो ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हैं इंडिया में, ऐसे शॉप्स, ऐसे मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेसेस खोल के ऐसे छोड़ देते हैं, क्या आता है। मतलब हम लोगों का ध्यान रखना पड़ता है भाई। ऑफ कोर्स, अपनी प्रजा का ध्यान तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। ये भी बात है। तो हम मंदिर के आसपास ही हैं, ज्यादा दूर तो नहीं है, इधर ही है। अभी पार्किंग में अच्छी खासी पार्किंग है वहाँ पर, मतलब आप गाड़ी से आराम से आ सकते हो अंदर, अपनी गाड़ी को पार्क करो मस्त और दर्शन करो खजराना के। आपको दिखाते हैं मंदिर। यस, तो यहाँ पर मंदिर की पार्किंग है और पार्किंग यहाँ पर सही है, हमारी गाड़ी पार्क कर दी है हमने और मस्त हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मंदिर शिव का है ना, लोग दर्शन करके आ रहे हैं इधर। यहाँ के लड्डू हैं, लड्डू थोड़े फेमस हैं यहाँ के कुछ तो अपने को, और इधर सा ले लेंगे कुछ प्रसाद ले लेंगे आगे से। ये यहाँ का एंट्री अंदर से मंदिर का एंट्री है? हाँ आगे वो एंट्री सामने। तो इंदौर आए तो खजराना मंदिर जरूर आए भैया। लाइन लगी, छोटी सी लाइन आ रहा। तो हम लोग दर्शन वर्शन कर करा के और हमारी दोनों जगह पूजा हो गई फ्री फंड में, अच्छे से मस्त पूजा वूजा होने के बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, कुछ खाएंगे पियेंगे। हम आ गए इधर, ये देखो लोग, देखो सब रुके रुके हुए ना यहाँ पर, जो गाड़ियाँ वड़ियाँ लगी है सब खाने के लिए रुके हुए सब यहाँ पर। ऐसे फ्री में पोहा मिलता है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। खाके फिर सीधा निकल जाएंगे। सब ले आओ। श्रावण चल रहे थे, श्रावण भी तो ऐसे मिले भगवान के पास लोग।
अभी थक गए, चलो कुछ विश्राम कर लिया जाए। बम बम भोले। पूरा जंगल है, संगम है यहाँ का कावेरी और नर्मदा दोनों नदी का।
ये देखिए साहब, रात के 12 बजे इन्होंने पतीले ला के रख दिया हमारे सामने बड़ा था, अब इसमें बैठ के खाना है हमको या क्या करना है पता नहीं। फुल साइज है, एकदम फुल साइज देख लो, फुल इतना बड़ा देख लो। टेबल टेबल के आधा कवर किया हुआ टेबल को। खा पाओगी? तो आ गए पुणे, वेलकम टू पुणे। 13 घंटे की ड्राइव करते हुए 650 किलोमीटर 650 किलोमीटर और एक खिड़की में होते हुए हम एंटर कर गए। ग्रीनरी मस्त, अच्छा ग्रीन ग्रीन पुणे हो गया, मस्त बारिश होती है। हमें तो बाहर तो बारिश मिली नहीं थी बस सूरत में मिली थी। हाँ, उसके बाद से आगे बारिश मिली नहीं, और जैसे हम वापस रिटर्न आए तो वापस से सब जगह बारिश होना शुरू हो गई। अब यहाँ पर बारिश हो रही है, मस्त ग्रीन हो रहा है एकदम अच्छा। हाँ, ये DCMC साइड तो रहती है थोड़ा ज़्यादा। तो आ गए रिटर्न पुणे। कितना 2500 किलोमीटर ना अप्रोक्सीमेटली, मीटर चेक करो, देखो इसमें होगा इंफॉर्मेशन में होगा ना, कहाँ इंफॉर्मेशन में है कार इन्फो। चलो बाय बाय, टेक केयर।